10 अगस्त 2023 सोयूज 2.1B पावरफुल रॉकेट की मदद से रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने मून की साउथ पोल की ओर अपने लूनार 25 लैंडर को लॉन्च कर दिया। जिसका टारगेट था भारतीय चंद्रयान 3 से पहले 21 अगस्त को मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग परफॉर्म करके और फिर वहां पूरे एक साल तक मून सॉइल पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना। अब मिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सवाल था मिशन के टाइमिंग का, क्योंकि रसिया चाहता तो इस मिशन को 1 से 2 दिन डिले कर सकता था। पहले ये मिशन 10 से 15 साल तक डिले हो चुका था, लेकिन व्लादिमीर पुतिन इंस्ट्रक्शन पर इसे जानबूझकर जल्द से जल्द लॉन्च कर दिया, ताकि चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर पहुंचने की इस रेस में हराया जा सके। और रसिया इसमें कामयाब होने ही वाला था, क्योंकि 10 अगस्त को लॉन्चिंग के बाद 16 अगस्त तक लूनर 25 ऑर्बिट में पहुंच चुका था और 19 अगस्त को इसने लैंडिंग के लिए डीप होस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। लेकिन अचानक इसका कम्युनिकेशन मिस्टीरियस तरीके से रशियन स्पेस एजेंसी से टूट गया और बाद में खबर आई लूनर 25 मून के सर्फेस पर कहीं क्रैश हो गया है। अब कई जगहों पर ये दावा किया गया कि इस क्रैश में इंडिया का हाथ है, तो कई जगह इसमें यूरोप स्पेस एजेंसी का हाथ है। 9 अगस्त 1976 को सोवियत यूनियन यानी कि रसिया ने अपने एक सक्सेसफुल मून प्रोग्राम का 24 मिशन लॉन्च किया था, जिसका नाम था लूनार 24, जिसमें चंद्रमा की सतह पर एक रोबोटिक प्रोब को भेजा गया था। इस मिशन की ड्यूरेशन 13 दिन की थी, जिसमें इसे मून की सतह पर जाकर मून सॉइल को कलेक्ट करके उसे वापस पृथ्वी पर लाना। और सोवियत यूनियन इस मिशन में कामयाब भी हो गया, जिसमें इन्होंने 170 ग्राम मून सॉइल को चांद से पृथ्वी पर वापस रिटर्न किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बाद से ही फाइनल सिचुएशन बड़ी तेजी से बिगड़ती गई, जिसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका सोवियत यूनियन के बीच चल रही कोल्ड वॉर एंड कैपिटलिज्म की लड़ाई थी, और अंत में जीत अमेरिका की हुई। और फाइनली 26 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन टूट कर बिखर गया, जिसमें एक नए और ताकतवर देश का जन्म हुआ, जिसे आज हम रसिया के नाम से जानते हैं, जो सोवियत यूनियन के बिखरने के बावजूद पृथ्वी का सबसे बड़ा एरिया वाला देश है, जिसके पास आज भी पृथ्वी के टोटल लैंड मास में 11% जमीन है, जो ड्वार्फ प्लेनेट के टोटल सरफेस के बराबर है। चलो अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं। जब लूनर 25 को जल्दबाजी में लॉन्च करने की वजह से सही टेस्ट भी नहीं हो पाई, 16 अगस्त को लूनर 25 मून के ऑर्बिट में पहुंचा, डी ऑर्बिटिंग के दौरान थ्रस्टर एबनॉर्मल यानी कि अजीब तरह से बिहेव करने लगे। और फाइनली 19 अगस्त 2023 को रोसकॉस्मोस ने खुद से डिक्लेयर किया लूनर 25 लैंडर के साथ कम्युनिकेशन और डीप होस्टिंग प्रोसेस में इमरजेंसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही रोसकॉस्मोस का कम्युनिकेशन लूनर 25 से पूरी तरह से टूट गया। इसके बाद एनालिसिस करने के मुताबिक ये पता चला कि 19 और 20 अगस्त को लूनर 25 डीप होस्टिंग प्रोसेस में अपने थ्रस्टर को मैनेज नहीं कर पाया और जरूरत से ज्यादा स्लो होने की वजह से लूनर ग्रेविटी उस पर हावी हो गई और वो प्लैनेट लेजेट्री से डिविएट होकर हाई वेलोसिटी से मून सरफेस पर कोलाइड होकर बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। लूनर 25 चंद्रयान 3 से तो मून के साउथ पोल वाली रेस में तो हार गया, लेकिन रसिया की लूनर 25 इंडिया की चंद्रयान 2 के फेलियर को याद दिला दी, क्योंकि लूनर 25 बिल्कुल चंद्रयान 2 की ही तरह था, और इसीलिए हमने उनके दुख को समझा और कोशिश की गई कि हमारी तरफ से रसिया के लिए या फिर रसिया के लोगों के लिए किसी भी तरह का हेट ना हो, क्योंकि रसिया हमारे देश का फ्रेंडली कंट्री है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।